तो गाइस गोलबाड़ी रेस्टोरेंट जिसका नाम आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा, स्पेशली जहाँ का मटन करी बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो गोलबाड़ी जाने के लिए हम लोगों को जाना पड़ता था श्याम बाजार, जो कि हमारे घर से बहुत ही ज्यादा दूर पड़ता है। लेकिन कैसा होगा जो गोलबाड़ी रेस्टोरेंट है वो खुद चल के आपके घर के पास आ जाए, ऑब्वियसली अच्छा ही होगा। तो इसलिए आज हम आ चुके हैं गोलबाड़ी रेस्टोरेंट, श्याम बाजार वाला गोलबाड़ी नहीं, आपके घर के बगल वाला गोलबाड़ी। शमीम भाई ऐसे गरीबों की तरह क्यों बैठे हो रास्ते के किनारे? तो क्या करूं? अरे सुना नहीं घर के बगल में गोलबाड़ी रेस्टोरेंट खुला है? हाँ यार सच में। कहाँ? अरे हमारे घर के बगल में। अरे भाई वो गोलबाड़ी? हाँ। अरे जो श्याम बाजार में, तो हमारे घर के बगल में आ गया। बिल्कुल। ओ वहाँ का तो सुना है मटन कारी बहुत बढ़िया है, बहुत टेस्टी है। बहुत ज्यादा टेस्टी है। तो ले जाएगा मेरे को? अबे चलो तब बैठे क्यों जल्दी। अरे भाई चलो गाड़ी स्टार्ट कर। अरे रुको रुको समीम भाई, इंट्रो कौन लेगा? रुको। तो चलिए गाइस चलते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं मैं हूं शेख साहिब और आप देख रहे हैं समीम ब्लॉगर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फाइनली गाइस हम आ चुके हैं गोलबाड़ी रेस्टोरेंट, जहां का बिरयानी रोटी तड़का और खास करके मटन करी सबसे ज्यादा फेमस है। तो बाहर से तो सब कुछ नहीं समझा सकते, इसके लिए जाना पड़ेगा हम लोगों को इसके अंदर और जाके सब कुछ आप लोगों को डिटेल्स में समझाएंगे। तो गाइस ये है गोलबाड़ी रेस्टोरेंट के ओनर, तो इनसे कुछ बातें कर लेंगे। तो भैया जो आपका गोलबाड़ी रेस्टोरेंट है ये कब से ओपन हुआ है? ये आपका 2021 ये ढाई साल चल रहा है अभी। अच्छा, जून में ओपन हुआ था ये। अच्छा तो जो श्याम बाजार के गोलबाड़ी है इससे हम लोगों का कोई कनेक्शन नहीं? अच्छा इससे आपको कोई कनेक्शन नहीं है? हम लोगों का कोई कनेक्शन नहीं है, वी आर टोटली डिफरेंट एंटिटी। हम लोग पूरा अलग है। हम लोगों का सुखपुर ट्रैफिक मोड़ पे था इतना दिन, जस्ट 15 दिन हुआ है हम लोग यहाँ पे शिफ्टिंग किया है। तो यहाँ का जो सबसे फेमस फूड है वो कौन कौन सा है? सब कुछ फेमस है हम लोगों का, क्योंकि हम लोग अलग तरीका से खाना बनाते हैं। हम लोग क्वालिटी अलग मेंटेन करते हैं। हम लोगों का जो मटन यूज़ होता है वो प्योर रियाजी मटन यूज़ होता है, वो बिरयानी में चाहे या मटन कसा में चाहे या कारी में चाहे कुछ भी। अच्छा आप कोई भी मटन का डिश लो वो रियाजी मटन मिलेगा, कुछ भी इधर उधर नहीं मिलेगा आपको। बिरयानी का आपका प्राइस क्या है? बिरयानी चिकन बिरयानी 90 रुपीज़ है। अच्छा प्राइस देख के घबराइए मत, नहीं क्योंकि हम लोग बेस्ट क्वालिटी बिरयानी देते हैं जितना आप बोल सकते हैं। आपको खिलाएंगे तो अच्छा खिलाएंगे, जिसमें आपको ना कोई गैस होगा ना कोई गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम होगा, कुछ नहीं होगा। तो गाइस समझ सकते हैं अच्छा चीज़ खाने के लिए दाम तो देना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे जितना भी प्रोडक्ट यूज होता है मसाला वगैरह सारा कुछ घर का बना हुआ होता है, तो आप समझ सकते हैं सारा कुछ प्योर होता है, जिसको खाने के बाद आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो गाइस ये है यहाँ का एम्बियंस, एम्बियंस तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। कितने अच्छे से इसको डेकोरेट किया गया है, देखिए चारों तरफ जो है लाइटें जल रही है और सीटिंग के लिए बहुत ही अच्छा सुविधा दिया गया है। आप लोग बहुत सारे लोग एक बार में बैठ के यहाँ पे खा सकते हैं और यहाँ के दीवारों को देख सकते हैं बहुत ज्यादा फ्रेम वगैरह है, सारा कुछ जो है एकदम सोदपुर के ऊपर ही थीम्स करके बनाया गया है। तो गाइस वैसे तो श्याम बाजार की गोलबाड़ी से यहाँ की गोलबाड़ी के कोई भी लिंक नहीं है सिवाय एक लिंक के, वो है ये मास्टर काका। ये मास्टर काका कोई आम इंसान नहीं है, ये वहाँ भी काम करते थे लेकिन अब यहाँ पे काम करते हैं। इनके हाथ का जो मटन है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है, तो आज हम लोग ट्राई करेंगे इनका हाथ का मटन। लेकिन बताइए काका कैसे हैं, हालचाल ठीक है? अच्छा अच्छा यहाँ पे आप कब से काम कर रहे हैं? 2 साल हो गए। ये जो आप मटन वगैरह बनाते हैं कितने साल से बनाते हैं? 35 साल से। 35 साल से? तो गाइस समझ सकते हैं ये जो काका है यहाँ पे 35 साल से मटन वगैरह बनाते हैं, हालांकि पहले दूसरे जगह काम करते थे 1982 में जो वहाँ पे छोड़ दिए, उसके बाद यहाँ पे आप आ रहे हैं। 91 में ये काम करता था, 92 में छोड़ दिए। अच्छा 91 में काम करते थे, 92 में छोड़ दिए। यहाँ पे जो है फिश फिंगर का एकदम अच्छे से प्रिपरेशन चल रहा है। तो गाइस एक चीज यहाँ का बहुत ही अच्छा है कि जो भी कुछ बनता है खाना आपके आंखों के सामने बनता है, ऐसा नहीं है कि पहले से बना के रखा जाता है। और गाइस ये है 1 किलो का कंटेनर जिसमें भर के बिरयानी मिलता है सिर्फ 90 रुपया में। बेस्ट बिरयानी 90 रुपया में और 1 किलो के कंटेनर में भर के मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं चिकन चाप रखा गया है जिसका साइज तो बहुत ही ज्यादा बड़ा लग रहा है। इसका वेट लगभग 115 से 120 ग्राम के करीब होगा, जिसका दाम सिर्फ 60 रुपया है। और इसका ग्रेवी वगैरह देख सकते हैं भाई कितना गाढ़ा ग्रेवी है, इसको देख के तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहा है। और गाइस देख सकते हैं यहाँ का स्पेशल बिरयानी और ये है यहाँ का मटन का पीस। मटन का पीस तो भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है, जैसा कि अंकल ने बताया कि रियाजी मटन यूज किया जाता है, इसका भी जो वेट है वो 100 ग्राम से ऊपर ही होगा। तो भाइयों फाइनली हम लोगों ने ले लिया है यहाँ का कॉम्बो। भाई कॉम्बो में क्या क्या मिला देखिए आप लोग। ये देखिए इतना बड़ा बाउल में मेरे को चिकन बिरयानी मिला, एक तो चिकन चाप मिला और उसके साथ मिला एक तो कोल्ड ड्रिंक। ये जो तीनों आइटम लिया ये गोलबाड़ी स्पेशल कॉम्बो है। कितना दाम हो सकता है बोलिए तो? आप लोग नहीं बता पाइएगा, मैं बता दे रहा हूँ, ओनली 379। 379 में इतना बड़ा बिरयानी का बाउल, एक तो थम्स अप और एक तो चिकन चाप। भाई वाव
जस्ट वाओ, वाओ से भी वाओ, इसके ऊपर कुछ होगा वो भी। अरे बस कर भाई। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले खाएंगे बिरयानी, यहाँ का जो स्पेशल बिरयानी, मतलब नया बना रहा है लेकिन भाई बिरयानी का तो टेस्ट बहुत सुना हो। तो चलिए बिरयानी टेस्ट करते हैं। तो बाउल से सारा कुछ निकल लिया और क्या क्या मिला देखिए मेरे को। ये लिया थोड़ा सा राइस बिरयानी का, ये है एक तो रियाजी वाला मटन पीस, वाव पूरा चर्बी चर्बी एकदम चारों तरफ। और ये देखिए चिकन का पीस, वाव रान पीस है रान। और ये एक तो आलू, आलू भी एकदम ठीक ठाक है। ये है थोड़ा सा राइस भाई, थोड़ा सा ड्राई है लेकिन टेस्ट अच्छा है, थोड़ा सा ड्राई है। वाव ओ हो कितना अच्छा बॉइल्ड हुआ। ये थोड़ा सा आलू टेस्ट भाई, आलू परफेक्ट है जो बॉइल्ड हुआ और मसाला एकदम हल्का है, एकदम परफेक्ट है। ठीक है अब थोड़ा मटन को टेस्ट करेंगे, जो रियाजी वाला चर्बी वाला हड्डी वाला पीस है। ओहो पूरा जूसी जूसी चर्बीदार रियाजी पीस, और देख रहे हो कितना अच्छा बॉयल हुआ है। देखिए अलग से ऐसा कर रहा हूँ, अलग से एकदम। ओहो पहले खाऊंगा इसको। ओहो गाइस चर्बी देखिए भाई, हाथ में कितना लग गया और घूमे गया, लग रहा है भाई क्या ही खा रहा हूँ। अब थोड़ा सा चिकन का, ओहो चिकन को तोड़ूंगा नहीं, ऐसा ही खाऊंगा। बहुत ज़्यादा आ गया भाई, सारा कुछ मटन चिकन आलू एकदम परफेक्ट बॉयल हुआ है। इसके अंदर मसाला भी बढ़िया करके गया है, एकदम परफेक्ट है। और जो राइस था, राइस थोड़ा सा मेरे को ड्राई लगा लेकिन टेस्ट में अच्छा ही है। अब राइस के साथ मटन को टेस्ट करेंगे। ये थोड़ा सा मटन लिया और ये थोड़ा सा आलू और ये थोड़ा सा राइस, ये मिक्स करके ये जो जाएगा भाई, ये जो जाएगा ये है जम्बो पैक। ठीक है परफेक्ट परफेक्ट लगा मेरे को। अब थोड़ा सा चिकन के साथ टेस्ट करेंगे राइस को। ये थोड़ा सा चिकन लिया, ये थोड़ा सा आलू, वाव आलू नहीं मक्खन है मक्खन, और ये है राइस। तीनों को मिक्स करके टेस्ट में नंबर वन। अब आप लोगों को बताएंगे चिकन चाप का टेस्ट। ओ हो 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 गाइस, देखिए कितना बड़ा पीस चिकन लेग पीस, और देखने में जो लग रहा है भाई। ये थोड़ा सा लिया चिकन चाप का पीस का टुकड़ा, टेस्ट में ये सबका बाप है, एक नंबर टेस्ट। तो गाइस फाइनली मैंने ले लिया यहाँ का स्पेशल मटन करी, और ये जो मटन करी है भाई इसका कलर देखिए, थोड़ा सा डार्क टाइप में कलर है इसका, बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा ग्रेवी है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छा है। देख सकते हैं ये जो मटन है भाई, इतना ज़्यादा गाढ़ा मटन आज से पहले हम लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया, तो आज हम ट्राई करेंगे इसको। तो एक पीस मटन ले लेते हैं पहले। और शमीम भाई ने कितना खाया आपको पता है, इधर दिखाइए ज़रा, कैमरामैन जल्दी फोकस करो, इतना ज़्यादा खा के भाई हड्डी जमा करके रखा है इतना शमीम भाई। तो खैर छोड़ते हैं इसको और अभी पहले मटन को ट्राई करते हैं। ओह भाई मटन का जो पीस है ये देख के तुल 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 कर रहा है, इतना ज़्यादा नरम है। ओ माय गॉड साइकिलर रॉड, मटन है या मुरब्बा है इतना रियाजी मटन पहली बार ट्राई करेंगे। रियाजी मटन बहुत खाया है, हर जगह खाते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा रियाजी मटन आज तक मैंने कभी नहीं देखा, इतना ज़्यादा नरम भाई। नो 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 गाइस बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, आज तक हम लोगों ने जितनी जगह भी मटन खाया है इतना ज्यादा टेस्टी और इतना ज्यादा गाढ़ा ग्रेवी वाला मटन आज तक हम लोगों ने कहीं नहीं खाया है। तो टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है, किसी को बताना मत, चुपके से बाइक निकालना और यहाँ पे आ जाना, ठीक है। तो फाइनली गाइस हम लोगों का खाना पीना सब कुछ कंप्लीट हो गया है। तो समीम भाई एक बात तुम सच बताना, वहाँ का खाना तुमको कैसा लगा? भाई सच क्या बताऊँ, देखो वहाँ पर जो बताया रिव्यू में जो दिया बहुत ही अच्छा बताया, बहुत ही एकदम बेहतरीन चीज़ है,
बहुत अच्छा चीज़, ये सब खाना वाना बहुत अच्छा, सब कुछ बताना पड़ा क्योंकि मुँह में वहाँ पर जो होटल का जो ओनर था उसके सामने तो कुछ बता नहीं पड़ा कि आपका चीज़ खराब है, ये खराब है, वो खराब है। आज आप लोगों को दिल से बता रहा हूँ, इतना दिन जो फूड ब्लॉग कर रहा हूँ, फूड ब्लॉगिंग जो हम लोग इतना दिन तक कर रहा हूँ, तो आज मेरे को भाई ये जो बिरयानी था, बिरयानी का कुछ भी अच्छा नहीं लगा, बहुत अच्छा नहीं लगा, ठीक है। और जो मटन करी था, मटन करी जो गोलबारी का नाम पे बहुत फेमस है, ये है वो है, जो श्याम बाजार में जो गोलबारी है भाई, उसका जो मटन करी था वो तो परफेक्ट एक नंबर है, लेकिन यहाँ का जो गोलबारी नाम रख के जो मटन करी जो बना रहा है, अन्याय हुआ है हमारे साथ, अन्याय। तो गाइस हमारा जो फर्स्ट था, आप लोगों को हमेशा सच बताना, सच रिव्यू देना, जो भी है आप लोगों को सारा कुछ बता दिया खुल के मैंने, शमीम भाई ने, तब आपकी मर्जी है आपको जाना है या नहीं वहाँ पे। खैर जो भी है उसका लोकेशन वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप लोगों को, अगर जाना है तो आप लोग जा सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा वहीं पर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आई होप आप लोगों को स्टूडियो में मज़ा आएगा तो लाइक कर देना और चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।